चैप्टर 6 बहुत ही सैड चैप्टर है जो योहन्ना ने लिखा, बहुत ध्यान से लिखा उसने, पर बहुत ही सैड चैप्टर है। क्यों सैड चैप्टर है? बिकॉज जॉन चैप्टर 6 वाज 2 पढ़ना, जॉन चैप्टर 6 2 बचा। योहन्ना 6:2 और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली क्योंकि जो आश्चर्य कर्मों व बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। आमेन। क्या हो रहा है वहाँ पे? बड़ी भीड़। सब लोग बोलो बड़ी भीड़ है वहाँ पे। समझ में आया? तो ये चैप्टर जो है शुरुआत होता है किस चीज से? बड़ी भीड़ से। हाँ, और पर ये जो चीज है ना, अंत कैसा होता है वो देखो, वर्स 66, जॉन चैप्टर 6 वर्स 66, वो चैप्टर का अंत कैसा होता है देखो। इस पर उसके चेलों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। फिर बाद में उसके बाद वाला वर्स देखो क्या बोलता है यीशु मसीह। तब यीशु ने उन बारहों से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? मेरी सार, बहुत ही दुख वाला चीज है। सब भीड़ खत्म। चैप्टर के शुरुआत में भीड़ है, चैप्टर के अंत में सब भीड़ खत्म। फिर यीशु मसीह ने मुड़कर अपने 12 चेलों से कहा, क्या तुम भी वापस चले जाना चाहते हो? भीड़ हमेशा कुछ चीज की वजह से यीशु मसीह के पीछे आती है। हम ये क्यों अलग सेक्शन ले रहे हैं? क्योंकि चैप्टर 5 एक अलग सेक्शन है, चैप्टर 6 एक अलग सेक्शन है और चैप्टर 7 एक अलग घटना है। क्यों? चैप्टर 5 वर्स 1 देखो, चैप्टर 5 वर्स 1। इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ। चैप्टर 6 वर्स 1। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील। चैप्टर 7 वर्स 1। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा। तो जब भी योहन्ना वो टॉपिक चेंज करना चाहता है, वो हमेशा कहेगा इन बातों के बाद। किन बातों के बाद? यीशु मसीह का भीड़ को खिलाना, ये बात हुआ था, और उसके ही बीच में यीशु मसीह का पानी पे चलना। सही बात है। यीशु मसीह ने क्या कहा उनसे? कि मैं भीड़ को भगाता हूँ, तुम लोग जाओ नाव में। तो वो लोग नाव में गए थे। फिर यीशु मसीह वापस आए और देखे कि कोई भी नाव वापस नहीं है और चेले तो बीच में ही है। तो वो चलने लगे पानी के ऊपर और फिर पतरस से वो कहा। पतरस का जो इंसिडेंट है वो यहाँ पर नहीं लिखा गया। यूहन्ना ने क्यों पतरस का इंसिडेंट नहीं लिखा वो हमें बिल्कुल पता नहीं है, पर पतरस को ज़्यादा स्पॉटलाइट यूहन्ना कभी देता नहीं है। पतरस को ज़्यादा स्पॉटलाइट यूहन्ना कभी देता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ यीशु की महिमा करना चाहता है। क्योंकि जो लोग अपने साथ रहते हैं उनको ज़्यादा बात नहीं करते। यूहन्ना और पतरस हमेशा ज़्यादा रहते थे। यूहन्ना और पतरस हमेशा साथ में रहते थे ज़्यादा। हाँ, यूहन्ना और पतरस हमेशा साथ में रहते थे, इसलिए यूहन्ना पतरस के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, बड़ाई नहीं करता पतरस को। ठीक है, मार्कुस पतरस के बारे में ज़्यादा बात करता। क्यों? पतरस का चेला है ना। मत्ती भी, मत्ती भी उनको पतरस बहुत अच्छा लग रहा है, पर सब गंदी बातें पतरस के बारे में ज़्यादातर मत्ती ने कहा। क्या मालूम, क्योंकि वो चेला था, तो वो चेलों में से था, तो उनको मालूम है असलियत क्या है, क्या चल रहा है अंदर के बातें। ठीक है, तो यूहन्ना कभी पतरस को ज़्यादा भाव नहीं देता है, इसलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें इतना नहीं लिखा, पर दूसरे हिसाबों से हमें पता चलता है कि ये सब चीज़ें हुआ है। ठीक है, ये सब हुआ पर भीड़ के भीड़ वहाँ पर वापस आ गए ये देखने के लिए कि यीशु मसीह कहाँ पर है। क्यों? क्योंकि रात को ही उन्होंने क्या किया, भोजन खा लिया ना, तो वापस से सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए वो लोग आए। फिर उन्होंने देखा कि यीशु मसीह ये पार नहीं है, तो वो पार जाने लगे हुए, और वो पार भागते 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 वो लोग बोले यीशु मसीह को कि तुम यहाँ पर कब आए। ठीक है, पढ़ते हैं, रीड वर्स 22। यूहन्ना 6:22। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी यह देखा कि यहाँ एक को छोड़कर और कोई छोटी नाव न थी, और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर न चढ़ा, परंतु केवल उसके चेले चले गए थे। तो उनको पता था कौन गया था? चेले, यीशु नहीं था। उनको क्या चाहिए था? यीशु या चेले? उनको पता चेले से कुछ नहीं होने वाला, यीशु ही चेले। ठीक है, रीड द नेक्स्ट वर्स।
तो भी और छोटी नावें तिब्रियस से उस जगह के निकट आई जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। परफेक्ट, नेक्स्ट। सो जब भीड़ ने देखा कि यहाँ न यीशु है और न उसके चेले, तो वे भी छोटी छोटी नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम को पहुंचे। यीशु को ढूंढते हुए, एक बात बोलो, पुराने नियम में हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, नए नियम में परमेश्वर ने हमको ढूंढा। यीशु मसीह कहता है कि वो भेड़ जो खोया है, मैं 99 को छोड़कर खोए हुए को ढूंढने और वो एक भेड़ को ढूंढने और उनका उद्धार करना है। समझ में आया? आप परमेश्वर को नहीं ढूंढ सकते हो, तो इसलिए तुझे ढूंढता हुआ नहीं ढूंढ सकते हो। वो खोए हुए नहीं है, आप खोए हुए चीजों को ढूंढते हो, परमेश्वर नहीं खोए हुए। पुराने नियम में उनके लिए परमेश्वर खोए हुए था। He was in you, he is not lost. You cannot search him. He searches you out. He has got you. Amen. Amen. Blessed, man. So, how we say, I am seeking your face. मैं आपके चेहरे को ढूंढ रहा हूँ। वो सब भाषा भी बदल दो, ढूंढना बाकी नहीं रहा, ठीक है? They were seeking Jesus. वो लोग यीशु को ढूंढ रहे थे। हम तो बोलेंगे अरे भीड़ यीशु को ढूंढ रहे, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। पर ये लोग आ रहे थे सिर्फ दो चीजों के लिए, एक खाने के लिए, दूसरा चमत्कार। इन लोगों के घर पे जाओ तो यीशु का नाम भी एक बार वो लोग जिक्र नहीं लेते, पर जब वो लोग बीमार है आते हैं, प्रार्थना करो भाई, प्रार्थना करो भाई। हाँ या ना, मेरा पास मेरा पैसा अटक के बैठ गया, मेरा पैसा अटक के बैठ गया, प्रार्थना करो मेरे लिए, प्रार्थना करो मेरे लिए, ठीक है? तो आगे पढ़ो वर्स 25। और झील के पार उससे मिलकर कहा, हे रब्बी तू यहाँ कब आया? हे रब्बी तू यहाँ पर कब आया? क्यों वो हैरान हुए? क्यों? समुंदर जब वो तूफान उठता है, वो समुंदर में कोई भी नाव नहीं जाता है, इसलिए कहीं छोटे नाव थे। कहाँ पर? समुंदर किनारे। कोई समुंदर के बीच में जाकर बच नहीं सकता है, वो मरना है, उसका तय है। तो उनको लगा ये चलकर यहां पर आए, तो उनको लगा कि हमसे ज्यादा जल्दी ये लोग इधर कैसे पहुंच गए। यीशु ने नहीं कहा मैं पानी पे चलकर आया, इनफैक्ट यूहन्ना यहाँ पर कह रहे जैसे यीशु मसीह उनके नाव में आ गए, एक झटके में वो लोग किनारे पे पहुंच गए, एक झटके में। जो लोगों को इतना समय लगता है आपके साथ, वो एक झटके में होता है ना आपके लिए। आपको उसी चीज से जाना नहीं पड़ता है, उसी चीज से गुजरना नहीं पड़ता है यीशु मसीह के साथ, क्योंकि यदि आप जानते हो कि यीशु मसीह कौन है, आपके लिए चीजें आसान होती है, मुश्किल नहीं। आया ना? आया ना? आज बहुत एकदम आमीन, समझ में आ रहा है? तो ये लोग आ गए यहाँ पे और ये पूछने लगे कि यीशु मसीह तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे, कब पहुंच गए? वो लोग ढूंढते हुए यीशु मसीह को आए, ठीक है? तो यीशु मसीह कहना चाहिए ना, अरे वाह मेरे पास भीड़ आया, चलो इधर चर्च खोलते। चलो आगे देखो वर्स 26। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। अचंभित काम क्यों? चमत्कार क्यों? क्योंकि चमत्कार ये दिखाता था कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर की ओर से आया है। इसलिए नहीं आया तुम मेरे पास ब्रेकफास्ट खाने के लिए आया? ये लोग भाग भाग कर नदी किनारे पास को पूरा दौड़ कर वापस गए, भूखे हैं ये लोग, थके हुए हैं, उनको लगा खाना रहेगा, अभी खाना नहीं मिल रहा, उनको गाली मिल रहा है। आजकल के चर्चेज में क्या होता है, नए लोग जब आते चर्चेज में उनके साथ प्यार से बात करने का, आया ना, ये प्यार से बात करने का, उनके साथ क्या करने का, उनको कभी दुखाना मत, उनका दिल दुखाना मत, हाँ उनको ऐसे कुछ चीज़ें मत कहो जिनसे उनको चोट लगती है। पर यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम मेरे पीछे नहीं आए हो क्योंकि तुमको चमत्कार दिखे, पर तुम इसलिए आ रहे हो क्योंकि तुमको भोजन खाए, और वो ही आज तुमको वापस से
ब्रेकफास्ट चाहिए, ठीक है। वर्स 27 नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर से उसी पर छाप लगाई है। क्या यहाँ पर क्या कह रहे हैं? परिश्रम मत करो किस चीज के लिए? नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। ये लोग परिश्रम करके आए थे क्या? ये लोग परिश्रम कर रहे थे? नहीं, पर उनका हालत देखकर यीशु मसीह ने ये कहा। क्यों? क्योंकि वो लोग थके हुए भागते भागते पूरे नदी किनारे आए थे वापस इस पार खाने के लिए। पूरा भीड़ का भीड़ क्या हुआ? पूरा भीड़ का भीड़ का भीड़ आ गया। समझ में आया? यही है आज का टीचिंग। 22-27 यीशु मसीह ने क्या कहा? नाशवान भोजन के लिए मत भागो, परिश्रम मत करो। ठीक। झूठे शिष्यों के गुण, सबसे पहला गुण हमने देखा था कि भीड़ से आकर्षित होते हैं वो। क्या होते हैं? भीड़ भीड़ को खींचती है। लोग वहां पर जाएंगे जहां पर भीड़ है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कुछ यहां पर है। भीड़ मेंटालिटी, भले वहां पे कुछ नहीं मिल रहा है पर भीड़ है तो लोग आएंगे। ठीक। दूसरा, यीशु मसीह को कभी भीड़ में दिलचस्पी नहीं था, कभी भी नहीं था। दूसरा, अलौकिक से आकर्षित, सुपरनेचुरल, दे वांट सुपरनेचुरल, चमत्कार, चिन्ह चमत्कार हो रहा है, सब बड़े बड़े चीजें हो रहा है, पर जब आप वचन के लिए बैठो उनको नींद आ जाता है। क्या बात है? पर जब चमत्कार का समय आ जाता है वो लोग चिल्लाकर एकदम नाचते गाते गिरते, पर जब वचन का समय आता है तभी उनको नींद आता है। ये सब लोग खोखले हैं, झूठे शिष्य, संसारिक लाभ। इसमें मेरा क्या फायदा, इसमें मेरा लाभ। आज पैसा मिल गया, 3 संडे तक गुल, जब पैसा फिर से रुक गया वापस, ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करो, पैसा रुक गया। जब बीमार हो, बीमारी चला गया, वापस से 2-3 संडे तक गुल, वापस बीमारी आ गया, भाई मेरे इसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए प्रार्थना। इनको नहीं समझ में आ रहा कि हमारे पास जो यीशु है उनके पास भी वो यीशु है, पर वो लोग वही चीज वापस से करेंगे, वही मूर्ति पूजा करेंगे, वो सब नहीं छोड़ेंगे वो लोग। ये जानते हुए भी कि उसमें कुछ सामर्थ्य नहीं है, परंपरा है, वो उधर से चमत्कार नहीं मिल रहा, परंपरा है, वो सब नहीं छोड़ेंगे, पर जो चमत्कार आएंगे वो हमारे पास आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है हमारे पास चमत्कार है, उनके मूर्तियों के पास परंपरा है, माँ बाप ने किया हमको करना पड़ेगा। तो झूठे शिष्य ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए, भले तीन हो भले ठीक है, जैसे भी ऐसे झूठे शिष्य हमें नहीं चाहिए। आया ना? आगे, आराधना में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्होंने क्या पूछा? रब्बी तू यहाँ पर कब आया? पर जब यीशु मसीह नाव में आ गए थे पतरस को लेकर, लिखा है बाइबल में कि दे वर्शिप्ड हिम। सही शिष्य जो है ना, उनका रिस्पॉन्स आराधना होता है। उनका रिस्पॉन्स ये नहीं कि गुल, उनका रिस्पॉन्स ये नहीं कि बाइबल से दूर रहना, है ना। उनका रिस्पॉन्स ये नहीं कि परमेश्वर से दूर रहो, उनका रिस्पॉन्स ये होता है कि परमेश्वर के और करीब जाओ, और आराधना करो, और स्तुति करो, जब उनको कुछ परमेश्वर से मिलता है। ये लोग क्या, परमेश्वर से मिलकर वो लोग घर चले जाते हैं, पर सही शिष्य जो है परमेश्वर से पाकर वो लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के पीछे पीछे चलते हैं। आया ना? याद है वो बंदा जो यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माएं निकाले उससे? उन्होंने कहा यीशु मैं आपके पीछे आना चाहता हूँ। वो सही शिष्य होता है। यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे मत आना, चाहे लोगों को कहो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। जब आपको चमत्कार मिलता है, जब आपका प्रतिक्रिया ये होना चाहिए कि आपका आराधना बढ़ना चाहिए, आपका मांगना नहीं बढ़ना चाहिए कि मैं और मांगू,
और मांगू और मुझे क्या मिल सकता है और प्राप्त क्या करूं और प्राप्त क्या करूं, ऐसा उनका सोच था। पर सही शिष्य का सोच क्या है, उनका आराधना बढ़ता है। आप कभी भी नहीं देखोगे यहाँ पे कि शिष्य ने कभी भी पूछा यीशु मसीह हम क्या खाएंगे, पूरे बाइबल में कभी नहीं देखा यीशु मसीह हम क्या खाएंगे। जो यीशु मसीह के साथ है उनको ये सब चीजों को चिंता है। जब वो आए थे भीड़ का खिलाने के लिए, उन्होंने कहा भीड़ क्या खाएंगे, भीड़ पूछे उनके बारे में। वो लोग तो ठीक है, उनको मालूम है कि वो लोग सर्वाइव कर सकते क्योंकि वो लोग यीशु मसीह के साथ है। आमीन। सही शिष्य जो है उनको कोई भी चिंता नहीं रहती है क्योंकि यीशु उनके साथ है। झूठे शिष्य जो है उनको बार बार मांगना पड़ता है, पूछना पड़ता है, मांगना पड़ता है। ये ask and it shall be given, ask and it shall be given, इसी के बीच में और दरमियान वो लोग रहते, इसी के बीच में और दरमियान वो लोग रहते। फिफ्थ वन आज जो हमने देखा वो है व्यक्तिगत लाभ, व्यक्तिगत लाभ। वो लोग आए थे किस चीज के लिए, क्योंकि उनका पेट भरा हुआ था। देखो हमें ये मेंटालिटी चर्च से निकालना है, आप यीशु मसीह के पास मत आओ क्योंकि आपको कुछ मिलता है, आप यीशु मसीह के पास इसलिए आओ क्योंकि यीशु ने आपके लिए सब कुछ दिया है, अपना जान दे दिया है, आपको उद्धार दिया है। ये जो आप आ रहे हो ना यीशु मसीह के पास, वो इसलिए है क्योंकि वो इस चीजों के बारे में है जो नाशवंत है, पैसा, घर, गाड़ी, बंगला, चंगाई इस बदन के लिए, ये सब के लिए आओगे ना ये कुछ देर तक टिकेगा, गिर जाएगा, टिकेगा, गिर जाएगा। पर आपको पता चलेगा कि उद्धार मुझे मिला है कि जब मेरे आंखें यहाँ पर बंद होता है अनंत काल के लिए मैं यीशु मसीह के साथ रहूंगा, उससे वंचित या उससे रहित नहीं रहूंगा, मतलब नरक में नहीं रहूंगा। तो वो आपको मोटिवेशन होना चाहिए। ये लोगों का मोटिवेशन क्या है, झूठे शिष्य का, जब तक सांसें चल रही है तब तक मेरा क्या लाभ। इसलिए पौलुस कहता है कि हम इस संसार की चीजों को नहीं देखते हैं जो नाशवंत है, जो टेम्परेरी है, हम उस चीजों को देखकर हमारे जीवन जीते हैं जो अनंत काल का है। जीसस केम लिफ्ट अप योर आईज, ही सेज योर रिडेम्पशन ड्रॉज नाउ। आप आंखें उठाओ, ये जिंदगी नहीं है, जिंदगी वो है। ये तो आप एक बच्चा पेट में कैसा रहता है, बच्चा पेट में कैसा रहता है, बच्चा ना जब पेट में ग्रो हो रहा है कैसा रहता है, किधर रहता है वो, अंधकार में, अंधियारे में। पर वो पानी में रहता है, हाँ पानी में रहता है, फिर उसको सब नरिशमेंट वगैरह की तरफ से मिलता है माँ से, हाँ। तो अगर माँ अच्छी है तो बच्चे को भी नरिशमेंट ब्यूटिफुल रहता है, आमीन। और जब डिलीवरी होता है तभी सबसे ज़्यादा पेन, पर बच्चे को पेन होता है या माँ, पर बच्चा आ जाता है और फिर उसका जिंदगी कब शुरू होता है, पेट में या बाहर आने का, असल जिंदगी बाहर आने का। वैसे ही हम है इस दुनिया में, हम है, हम कोख के अंदर है, यीशु मसीह से हमारा सब कुछ आता है। जब हम आंखें बंद करेंगे यहाँ पे हमारा असल जिंदगी तब शुरू होता है, तब हम असल में बाहर आ गए, समझना है, तब हमारा जीवन शुरू होता है। ये तो अभी बैठ के बस आराम करो और यीशु मसीह से सारा नरिशमेंट लो। इसलिए कह रहे हैं ना यहाँ पे लेबर मत, परिश्रम मत करो। आप एक बच्चा हो, आप एक कोख के अंदर हो, आपको क्या परिश्रम करना है, आपको परिश्रम क्या करना है। इसलिए ना बच्चा सताता भी है माँ को, तो माँ क्या करती है, मारती है बच्चे को, मारती है, पेट में मारती है। यीशु मसीह को हम सताते हैं फिर भी यीशु मसीह हमारा क्या करता है, क्या करते है? समझ में आ रहा कि नहीं। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे कि परिश्रम मत करो, ठीक है। लेट्स सी द ओरिजिन ऑफ दिस, ओपन जेनेसिस, जेनेसिस चैप्टर 3। जेनेसिस चैप्टर 3 17, 18, 19 पढ़ो, 17, 18, 19।
और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। तू उसकी उपज जीवन भर खाएगा, पर किसके साथ? दुख, दुख के साथ। ठीक है, आगे। और वह तेरे लिए कांटे और उटकटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। अच्छा, क्या हो, क्या आएगा भार? कांटे, मतलब आप परिश्रम भी कर रहे हो पर आपको क्या मिल रहा है? कांटे। ठीक है, आगे। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। अपने माथे की पसीने की रोटी, पसीने की रोटी, सब लोग बोलो पसीने की रोटी, पसीने की रोटी। आज का कौन सा रोटी खा रहे हो? अच्छा, आगे। कभी कभी पसीना भी गिर जाता है उसमें। आगे। और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया, तो मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। ये आशीर्वाद है? नो, मनुष्य के लिए मिट्टी में मिलना और मिट्टी में जाना वापस आशीर्वाद है मनुष्य के लिए? हाँ, है ना? आशीर्वाद है ना मनुष्य के लिए? बिल्कुल नहीं। पक्का? यस। आदमी के लिए, आदमी के लिए आशीर्वाद नहीं है? सच में? यस। आदमी के लिए आशीर्वाद है कि नहीं है? नहीं। आदम के लिए आशीर्वाद था? नहीं। तो किसी ने क्यों कहा कि आदम को कभी श्राप नहीं दिया गया? दुख मतलब श्राप। क्या एक बात बताओ मुझे, अगर आदमी कभी पाप नहीं करता तो कभी मरता था? नहीं। मिट्टी में मिल जाता था? नहीं। तो मिट्टी में मिलना क्या हो गया? श्राप। समझ में आया? यस। ये एक तरह से श्राप ही है। ओके, ठीक है। तो हम देखते हैं कि परिश्रम करने से आप खाओगे, यहाँ पर लिखा है परिश्रम करने से। औरत को नहीं बोला, औरत के क्या बोला कि आपको परिश्रम किधर मिलेगा? माँ, बच्चे जन्म। ठीक है, मतलब अगर पाप नहीं रहता था तो माँ को तकलीफ नहीं होता था बच्चे जन्म देने में। हाँ, या ना? बिल्कुल नहीं रोते कुछ नहीं, डायरेक्ट आ गया। बिल्ली को देखो, बिल्ली को, कुत्तों को कैसे वो लोग देते हैं, वो लोग नहीं रोते, वो लोग करने नहीं, डायरेक्ट निकाल देते पीछे से। कभी देखा हमने सच में सामने, मेरे आपके सामने मेरा जो डॉग थी ना पोमेरेनियन, उन्होंने निकाल दिया ऐसे ही एक प्लास्टिक बैग में, जैसे कि थैली में ना, ट्रांसपेरेंट थैली में निकाल देते बस पीछे से, और बच्चा आ जाता है, फिर वो लोग निकाल के उनको चाटते, बस उनको कुछ दुख तकलीफ नहीं होता। क्यों? औरत को देखो, इतना दुख, इतना तकलीफ, इतना वेदना, क्यों? शराब की वजह से। आई एम गेटिंग टू अ पॉइंट। तो शराब है कि आप दुख के साथ खाओ, परिश्रम करके खाओ। ठीक है, एक्सोडस 16, एक्सोडस 16 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। निर्गमन 16 उसका पहला वचन, फिर एलीम से कूच करके इजराइलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के महीने के दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नाम जंगल में, जो एलीम और सिनै पर्वत के बीच में है, आ पहुंची। तो सबको पता है ना एलीम और सिनै, याद है ना सबको एलीम और सिनै? ठीक है, आगे। जंगल में इजराइलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकझक करने लगी। क्या करने लगे? बकझक, 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 ठीक है, बकझक, बकबक, बकबक करने लगे। ठीक है, क्या बकबक करने लगे? आगे बढ़ो। और इजराइल ही उनकी, उनसे कहने लगे कि जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन खाते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था, पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखे मार डालो। वो लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि भले ही हमको वहां पर खाना मिल रहा था, परिश्रम के साथ हम लोग खा रहे थे, वो बेटर था। आपने हमें रेगिस्तान में लाए मार डालने के लिए। आगे बढ़ो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे।
इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। एमन, तो उन्होंने क्या कहा, परमेश्वर ने क्या कहा, मैं प्रतिदिन स्वर्ग से उनके लिए भोजन बरसाऊं। भोजन बरसाऊं, क्या भोजन? इंग्लिश में अगर पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है ब्रेड। ब्रेड वहां पर ब्रेड ही लिखा है क्या? यस, आई विल रेन ब्रेड। ब्रेड, आई विल रेन ब्रेड, ठीक है। वर्स 6, तो देखो आप परमेश्वर क्या बोल रहे, आई विल रेन, आई विल रेन ब्रेड, मैं बरसाऊंगा। पर श्राप आदमी के ऊपर क्या था, आप परिश्रम करके खाओगे, और परमेश्वर कह रहा कि मैं बरसाऊंगा खाना। बारिश के लिए कोई परिश्रम करता है? नहीं। हाँ, तो मैं खाना कैसा खिलाऊंगा इन लोगों को, बिना परिश्रम का खाना खिलाऊंगा, ठीक है। आगे वर्स 6 5। और ऐसा होगा कि छठवें दिन वह भोजन और दिनों में दूना होगा, इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरे उसे तैयार कर रखे। तब मूसा और हारून ने सारे इसराइलियों से कहा, सांझ को तुम जान लोगे कि जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया है वह यहोवा है, और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है, और हम क्या है कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो। फिर मूसा ने कहा, तब यह होगा, यह तब होगा जब यहोवा सांझ को तुम्हें खाने के लिए मांस और भोर को रोटी मनमाने देगा, क्योंकि तुम जो उस पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है, और हम क्या है। 13 और ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरे आकर सारी छावनी पर बैठ गई, और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी। ओस पड़ी, ओस। आगे। और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके छोटाई में पाले के किनकों के समान पड़े हैं। ओके, आगे। यह देखकर इजरायली जो न जानते थे कि यह क्या वस्तु है, सो आपस में कहने लगे, यह तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, यह तो वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा ने तुम्हें खाने के लिए देता है। आमेन। ये तो वही भोजन वस्तु है जो यहोवा आपको खाने के लिए देता है, कहां से? बिना परिश्रम का। क्या है का? बिना परिश्रम का। बिना परिश्रम क्यों? क्योंकि यहोवा ने उनको अपने परिश्रम से छुटकारा दिया, इजिप्ट से छुटकारा दिया, और उनको रेगिस्तान में लिया अपने भरोसे, और बोला कि मुझ पर भरोसा रखना, मैं तुम्हें खिलाऊंगा, मैं तुम्हें पिलाऊंगा, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आया ना, आया ना? तो तभी यहोवा ने उनका ख्याल रखा, उनका ध्यान रखा, है ना? Yes. तो बरसाया बिना परिश्रम का। उनको क्या करना था, उनका काम क्या था? सिर्फ बाहर जाके बटोरने का, सिर्फ बटोरने का, सिर्फ क्या करने का था? बटोरने का, ठीक है। तो इनके लिए ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई। They enjoyed this time. क्यों? क्योंकि उनको मन्ना मिल रहा था, स्वर्ग से मन्ना मिल रहा था, और उनको कुछ पकाने का वगैरह कुछ था नहीं। बाद में वो लोग पकाने में लग गए, क्योंकि उनको आदत सी हो गई थी वही पुराना जिंदगी का। देखो, हम मुश्किल बात क्या है पता है, यीशु में विश्वास करने का, कि हमें आदत हो गई है मेहनत करने का, मेहनत करने हमें आदत हो गया है अपने बुद्धि का इस्तेमाल करने का, आदत हो गया है। नहीं नहीं नहीं, हमें सोचना पड़ेगा, हमें कैसा करेंगे, हमारा बुद्धि का इस्तेमाल करने का आदत हो गया। वी हैव फॉरगॉटन द पावर ऑफ ट्रस्ट, विश्वास का पावर हम लोग भूल गए, कि ट्रस्ट, हाउ टू ट्रस्ट हिम। वो स्टोरी पता है ना आपको, बैरल वाला, नायगरा फॉल्स के ऊपर एक रस्सी बांधा था, यू नो दैट स्टोरी? नायगरा फॉल्स पता है ना, नायगरा फॉल्स, नायगरा फॉल्स मतलब ये दुनिया का सबसे बड़ा झरना है, गिरता हुआ झरना है, फॉल्स, वाटरफॉल, ठीक है। तो एक बंदे ने बोला कि मैं रस्सी बांधूंगा एक तरफ से लेके दूसरी तरफ तक, और नायगरा फॉल्स के ऊपर चला जाऊंगा रस्सी के ऊपर। तो सब लोग मीडिया वाले आए, बोले ताली बजाने के लिए सब लोग आएंगे, मरा तो वो ना, ताली बजाने के लिए सब लोग आएंगे, तो लोग ताली बजाने, वाह। वो गया वहां पे, वापस आ गए, तो सब लोग बोले वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। नायगरा फॉल्स मतलब आवाज इतना आता है, और वो पानी इतना उछलता है हवा में, कि बंदा गिर ही जाएगा अगर उसके ऊपर भी चलने की कोशिश किया तो।
पर ये बंदा जाके वापस आया। फिर उसके बाद उसने एक बैरल लिया, एक वो कचरा जमा करते ना एक व्हील पे, एक ही व्हील रहता है उसका, वो कचरा लेते ना, तो वो कचरा लिया, वैसा वो लिया, उधर गया, वापस से आ गया, वापस से सब लोग बोले वाह वाह सब खुश। फिर उसने कहा कौन इसमें बैठने के लिए तैयार है, सब लोग शांत।